और ये लोग चुनाव जीतने के लिए ये इनके इन प्रकारे राम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, चुनाव कैसे जीते। प्रचार एक तरफा हो रहा है, जो सरकारी मीडिया है दूरदर्शन और रेडियो वो भी प्रचार एक तरफा कर रहे हैं, और तो और नमो टीवी, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको एडवाइस की उसके बावजूद भी वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, एक तरफा नमो टीवी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आज तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बात को लेके एकजुट हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद भी निष्पक्ष नहीं रहेगा तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये हालातों में मैं मोदी जी को देख रहा हूँ लगातार, जब से मैं गुजरात का इंचार्ज बना। गुजरात में उन्होंने दो बार मुझ पर अटैक किए और गुजरात के किसानों को आह्वान किया कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, ये गुजरात के किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए रहे। इन्होंने पानी जो है राजस्थान से जो पानी आना था हमारे हिस्से का, उसको नहीं आने दिया, रोक दिया पानी। ये इन्होंने इशू बनाया था वहाँ पर किसानों के लिए और उनको भड़काने का काम किया। तो जब मैंने राजस्थान के हितों की रक्षा करी उस वक्त में, इसलिए मुझे गुजरात में उनके आरोप सुनने पड़े। तो उनको क्या अधिकार था यहाँ राजस्थान में आगे कैंपेन करने का? राजस्थान के अधिकार की रक्षा मैंने करी तो वही व्यक्ति, वही प्रधानमंत्री आकर के कैंपेन कर रहा है और जनता को आह्वान कर रहा सपोर्ट मांगने की, उनको नैतिक अधिकार है ही नहीं। अब मोदी जी जहाँ जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उदयपुर में, जोधपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जा रहे हैं वो कोई कोई बात को लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री को टारगेट कर, और तो और जो घटना हुई अभी अलवर के अंदर थानागाजी की, उसको लेके भी उन्होंने, उनके पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उस प्रकार के आरोप लगाए सरकार पर जो हमें स्वीकार्य नहीं है, बल्कि कहना चाहिए वो राजनीतिक आरोप है। चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में उसको देखा जा रहा है कि सिक्स्थ और सेवन्थ फेज के अंदर कैसे उसका लाभ उठाया जाए, इसलिए उन्होंने आरोप लगाए। और उनकी पार्टी के जो मीडिया में आया था कि जो बढ़ाना जी हैं, उन्होंने जाकर के सौदेबाजी करने की कोशिश करी उस परिवार से। तो अगर कोई दबाव था परिवार पे तो उनका होगा दबाव, सरकार के पास तो कोई इतला थी नहीं। सरकार को जैसे ही इतला मिली एसपी को 30 तारीख को, और 1 तारीख को और 2 तारीख को FIR लॉन्च हो गई और लगातार कार्रवाई हो रही है और सब मुलजिम पकड़े गए। तो ये आरोप लगा के प्रधानमंत्री अपनी कैंपेन के अंदर थानागाजी के नाम लेकर के, जबकि उनके खुद के जहाँ सरकारें हैं, राज्य सरकारें, इवन राजस्थान के अंदर भी 5 साल तक सरकार चली, यहाँ पर कितनी घटनाएं हुई, शर्मनाक घटनाएं हुई थी। वैशाली नगर में तो एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, पति के सामने पति की चाकू लगा दिया गया और ससुर को बांध दिया गया पड़ोस के अंदर। जयपुरवासी कई दिनों तक सोए नहीं उस वक्त में, ऐसा आतंक और ऐसा भय पैदा हो गया। इस रूप में जब राजस्थान के अंदर घटनाएं हुई तो मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। यूपी के अंदर एक विधायक ने बलात्कार किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा CBI को का बारिश करो, यहाँ की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही। तो थानागाजी क्यों दिखा उनको, जबकि थानागाजी के अंदर जो हमने कार्रवाई करी है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया, SP को हटा दिया और थाने को लाइन हाजिर कर दिया। बाकी जो कदम उठाए मैंने अभी आपको पहले मैंने एक बार ब्रीफ कर चुका हूँ, अभी मैं आपको नोट दूंगा, उसके अंदर आपको और जानकारी मिलेगी क्या क्या हमने कदम उठाए हैं और किस प्रकार हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन एक मॉडल बने देश के अंदर। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी राजस्थान की पुलिस
देश के अंदर मॉडल कैसे बने, किस प्रकार से क्राइम रुके, यहाँ पर अंकुश लगे, किस प्रकार से तत्काल कार्रवाई हो, किस प्रकार से लोगों को राहत मिले, किस प्रकार से फरियादी जाए थाने के अंदर उसको मान सम्मान मिले, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। और जिस रूप में राजनीति हो रही है थानागरी को लेके चुनाव जीतने के लिए, मैं समझता हूँ जनता समझती इन बातों को, और मोदी जी को समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, उस रूप में आप बिना जानकारी के आप इस रूप में जो कार्रवाई कर रहे हैं उचित नहीं कही जा सकती है। कोई क्वेश्चन? करेगी, ये थोड़ी क्या कर लिया है, करेगी करेगी में तो आप देख तो फ्यूचर ही होता है। मायावती जी का स्वाभाविक है कमेंट करना, क्योंकि वो बीएसपी की नेता है और दलित परिवार के साथ में अन्याय होगा तो उनका बोलना उचित मानता हूँ, मैं स्वाभाविक मानता हूँ। मोदी जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी के राजस्थान 5 साल तक 2 अप्रैल की घटनाओं में क्या हुआ, 350 मुकदमे दर्ज हो गए एक दिन के अंदर, 350। तो दलित विरोधी कौन लोग हैं जनता जानती है, और मायावती जी के बोलना स्वाभाविक मानता हूँ मैं, और मैं समझता हूँ कि हमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए उनकी बात पर। वो तो मांगना स्वाभाविक है और मांगना ही चाहिए उनसे। मोदी जी ने कहा है कि मायावती जी को राजस्थान से समर्थन विड्रॉ कर लेना चाहिए। नहीं, मायावती जी खुद ही जो आप कमेंट बता रहे हैं मुझे, मैं समझता हूँ कि मायावती जी को दर्द होना स्वाभाविक है, मेरा इतना ही कॉमेंट इसके बारे में, क्योंकि वो दलित वर्ग के नेता हैं, दलित के ऊपर ये जो जुल्म हुआ है इसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता, और हमारी गवर्नमेंट सब वो कदम उठाएगी जो एक गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, तो चाहे हमें कितने एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। अगर जानकारी पूरी मिलती है पुख्ता, अभी तो मीडिया में खबर आई थी, मैंने कह रखा है अगर कोई जानकारी पुख्ता मिलेगी तो कार्रवाई होगी। और ये लोग चुनाव जीतने के लिए ये इनके इन प्रकारण राम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, चुनाव कैसे जीते, प्रचार एक तरफा हो रहा है, जो सरकारी मीडिया है दूरदर्शन और रेडियो वो भी प्रचार एक तरफा कर रहे हैं, और तो और नमो टीवी, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको एडवाइस की उसके बावजूद भी वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, एक तरफा नमो टीवी चल रहा है, इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आज तमाम अपोजिशन पार्टियां इस बात को लेके एकजुट हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद भी निष्पक्ष नहीं रहेगा तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है, निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये हालातों में मैं मोदी जी को देख रहा हूँ लगातार, जब से मैं गुजरात का इंचार्ज बना, गुजरात में उन्होंने 2 बार मुझ पर अटैक किए और गुजरात के किसानों को आह्वान किया कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, ये गुजरात के किसानों को बर्बाद करने में लगे हुए रहे, इन्होंने पानी जो है राजस्थान से जो पानी आना था हमारे हिस्से का उसको नहीं आने दिया, रोक दिया पानी, ये इन्होंने इशू बनाया था वहाँ पर किसानों के लिए और उनको भड़काने का काम किया। तो जब मैंने राजस्थान के हितों की रक्षा करी उस वक्त में, इसलिए मुझे गुजरात में
उनके आरोप सुनने पड़े तो उनको क्या अधिकार था यहाँ राजस्थान में आगे कैंपेन करने का? राजस्थान के अधिकार में रक्षा मैंने करी तो वही व्यक्ति वही प्रधानमंत्री आकर के कैंपेन कर रहा है और जनता को आह्वान कर रहा सपोर्ट मांगने की, उनको नैतिक अधिकार है ही नहीं। अब मोदी जी जहाँ जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उदयपुर में, जोधपुर में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जा रहे हैं, वो कोई कोई बात को लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं। और तो और जो घटना हुई अभी अलवर के अंदर थानागाजी की, उसको लेके भी उन्होंने, उनके पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने उस प्रकार के आरोप लगाए सरकार पर जो हमें स्वीकार्य नहीं है, बल्कि कहना चाहिए वो राजनीतिक आरोप है। चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में उसको देखा जा रहा है कि सिक्स और सेवन्थ फेज के अंदर कैसे उनका लाभ उठाया जाए, इसलिए उन्होंने आरोप लगाए। और उनकी पार्टी के जो मीडिया में आया था कि जो बढ़ाना जी हैं, उन्होंने जाकर के सौदेबाजी करने की कोशिश करी उस परिवार से, तो अगर कोई दबाव था परिवार पे तो उनका होगा दबाव, सरकार के पास तो कोई इतना थी नहीं। सरकार को जैसे ही इतना मिली एसपी को 30 तारीख को और 1 तारीख को और 2 तारीख को एफआईआर लॉन्च हो गई और लगातार कार्रवाई हो रही और सब मुजरिम पकड़े गए, तो ये आरोप लगा के प्रधानमंत्री अपनी कैंपेन के अंदर थानागाजी के नाम लेकर के, जबकि उनके खुद के जहाँ सरकारें हैं, राज्य सरकारें, इवन राजस्थान के अंदर भी 5 साल तक सरकार चली, यहाँ पर कितनी घटनाएं हुई, शर्मनाक घटनाएं हुई थी। वैशाली नगर में तो एक महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ, पति के सामने पति के चाकू लगा दिया गया और ससुर को बांध दिया गया पड़ोस के अंदर। जयपुरवासी कई दिनों तक सोए नहीं उस वक्त में, ऐसा आतंक और ऐसा भय पैदा हो गया। इस रूप में जब राजस्थान के अंदर घटना हुई तो मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। यूपी के अंदर एक विधायक ने बलात्कार किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा, सीबीआई को कहा अरेस्ट करो, यहाँ की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो थानागाजी क्यों दिखा उनको, जबकि थानागाजी के अंदर जो हमने कार्रवाई करी है, थानेदार को सस्पेंड कर दिया, एसपी को हटा दिया और थाने को लाइन हाजिर कर दिया। बाकी जो कदम उठाए मैंने अभी आपको पहले मैंने एक बार ब्रीफ कर चुका हूँ, अभी मैं आपको नोट दूंगा, उसके अंदर आपको और जानकारी मिलेगी क्या क्या हमने कदम उठाए हैं और किस प्रकार हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर पुलिस प्रशासन एक मॉडल बने देश के अंदर। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी राजस्थान की पुलिस देश के अंदर मॉडल कैसे बने, किस प्रकार से क्राइम रुके, यहाँ पर अंकुश लगे, किस प्रकार से तत्काल कार्रवाई हो, किस प्रकार से लोगों को राहत मिले, किस प्रकार से फरियादी जाए थाने के अंदर उसको मान सम्मान मिले, इस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। और जिस रूप में राजनीति हो रही है थानागाजी को लेके चुनाव जीतने के लिए, मैं समझता हूँ जनता समझती इन बातों को और मोदी जी को समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री देश के हैं, उस रूप में आप बिना जानकारी के आप इस रूप में जो कार्रवाई कर रहे हैं उचित नहीं कही जा सकती है। कोई क्वेश्चन? करेगी, ये थोड़ी का कर लिया है, करेगी में तो आप देखते हो फ्यूचर, तो फ्यूचर ही होता है। मायावती जी का स्वाभाविक है कमेंट करना, क्योंकि वो बीएसपी की नेता है और दलित परिवार के साथ में न्याय होगा तो उनका बोलना उचित मानता हूँ, मैं स्वाभाविक मानता हूँ। तो मोदी जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टी के राजस्थान 5 साल तक, 2 अप्रैल की घटनाओं में क्या हुआ,
350 मुकदमे दर्ज हो गए एक दिन के अंदर, 350। तो दलित विरोधी कौन लोग हैं जनता जानती है। और मायावती जी को बोलना स्वाभाविक मानता हूं मैं, और मैं समझता हूं कि हमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए उनकी बात पर। मायावती जी ने प्रधानमंत्री जी से भी इस्तीफा मांगा है, मोदी जी से भी इस्तीफा मांगा है। वो तो मांगना स्वाभाविक है और मांगना ही चाहिए उनसे। मायावती जी खुद ही जो आप कमेंट बता रहे हैं मुझे, मैं समझता हूँ कि मायावती जी को दर्द होना स्वाभाविक है। मेरा इतना ही कॉमेंट इसके बारे में, क्योंकि वो दलित वर्ग के नेता हैं, दलित के ऊपर ये जो जुल्म हुआ है इसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता। और हमारी गवर्नमेंट सब वो कदम उठाएगी जो एक गवर्नमेंट को उठाने चाहिए, तो चाहे हमें कितने एक्सट्रीम जाना पड़ेगा। अगर जानकारी पूरी मिलती है पुख्ता, अभी तो मीडिया में खबर आई थी, मैंने कह रखा है अगर कोई जानकारी पुख्ता मिलेगी तो कार्रवाई होगी।